हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, सेबी की तरफ से यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर भर्ती निकाल दी गई, जो कि आपकी ऑफिसर ग्रेड ए की पोस्ट है। इसमें आपकी जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम में वैकेंसी निकली हुई है। ये इसका एक शॉर्ट नोटिस है, ठीक है। पूरी जानकारी इस शॉर्ट नोटिस में लगभग दे दी गई है, 90% जानकारी। और इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। ऑफिशियल ये नोटिस है सेबी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेबी इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए, जिसका नाम रहेगा असिस्टेंट मैनेजर की ये पोस्ट रहने वाली है। स्ट्रीम्स मैंने आपको सारी बता दी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्ट्रीम कौन कौन सी है और कितनी पोस्ट निकली है और उसके लिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है, ठीक है। स्ट्रीम की बात करें तो जनरल स्ट्रीम है सबसे पहली, जिसमें टोटल हमारा पोस्ट है 62, जो कि अपने आप में एक अच्छी खासी पोस्ट हो जाती है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन का, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हो। या इसके अलावा बैचलर डिग्री अगर आपने लॉ से कर रखी है, या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए आपने किया हो, या चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट, इनमें से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। चलिए इक्विवेलेंट नीचे का इक्विवेलेंट टू अ मास्टर डिग्री इन द डिसिप्लिन एज रिकॉग्नाइज बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है, ये कुछ नहीं। चलिए दूसरी आपकी स्ट्रीम है दोस्तों लीगल स्ट्रीम, इसमें नंबर ऑफ जो पोस्ट रहेंगी आपकी 5 पोस्ट निकली हुई है। इसमें क्या मांगा गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो इसमें मैंडेटरी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि आपकी रहेगी बैचलर डिग्री इन लॉ, ठीक है। लीगल पोस्ट है तो लॉ की डिग्री आपके पास होना ही चाहिए। इसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस है यानी कि अगर एक्सपीरियंस है तो भी दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, बाकी आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेना अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो। इसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी काफी अच्छी संख्या में पोस्ट निकली है। एक तो जनरल में काफी अच्छी संख्या में पोस्ट है और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट निकली है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है आपकी बैचलर्स डिग्री मांगी गई है इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच ऑफ बैचलर डिग्री, है ना, ये इन इंजीनियरिंग ब्रांच है, ठीक है। इंजीनियर की कोई भी ब्रांच हो उसमें बैचलर डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री हो इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में हो उसके साथ साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन हो चाहिए, जिसमें आपका मिनिमम 2 ईयर्स का ड्यूरेशन का एक कंप्यूटर साइंस से आपकी जो डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन की वो चाहिए। बैचलर डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, ठीक है, ये यहाँ पर इनका कहना है। या फिर या तो कंप्यूटर साइंस में हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इनमें से किसी में भी हो तो आप ये आईटी का फॉर्म इसका भर सकते हैं, ओके। चलिए इसके बाद आता है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इसमें 2 पोस्ट है, काफी कम पोस्ट है, तो इसमें मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में आपकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए बैचलर्स की, ठीक है। डिजायर या एक्सपीरियंस वगैरह आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद रिसर्च स्ट्रीम है जिसमें 2 पोस्ट है, यहाँ पर भी मास्टर डिग्री मांगी गई है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए। इन किसमें किसमें होना चाहिए, तो इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिस्ट क्या है, इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स हो गया और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ठीक है, या बिजनेस एनालिस्ट, या फिर इसके अलावा मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर्स का इन फाइनेंस, तो यह पढ़ लेना है ना क्या क्या मांगे, बेसिकली मास्टर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट स्ट्रीम बचती है आपकी वो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज की स्ट्रीम है, जिसमें आपके टोटल 2 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें मास्टर डिग्री इन हिंदी, या तो आपके पास हिंदी में मास्टर डिग्री हो या हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश, ठीक है, हिंदी का ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट दी बैचलर्स डिग्री लेवल, ये वाला सब्जेक्ट बैचलर डिग्री हो या फिर मास्टर डिग्री इन हिंदी हो तो आप इसका फॉर्म के लिए एलिजिबल है। या फिर मास्टर डिग्री इन संस्कृत या इंग्लिश या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल, ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका कहना था, ठीक है। तो इनमें से आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है आपकी जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर लिखा है रिजर्वेशन जो आपको मिलते हैं वो मिलेंगे। तीसरे नंबर पर एज लिमिट रखी गई है, तो एज लिमिट की बात करें तो अ कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सीड द एज ऑफ 30 ईयर्स और नॉट मस्ट हैव, ठीक है, यानी कि 30 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए उसे, कब तक, 31 मार्च 2024 तक, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बॉर्न हैव बीन, कब होना चाहिए उसका, ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 1994 पर होना चाहिए उसका जन्म, ठीक है। चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें तो आपका 3 फेजेज में यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यहाँ पर बोला गया 3 फेजेज में। फेज फर्स्ट होगा जिसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे, इसकी जो डिटेल है वो इसकी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अभी बताऊंगा आपको डिटेल नोटिफिकेशन कब आने वाला है।
कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन फेज फर्स्ट विल अपियर फेज टू, जो फेज फर्स्ट में पास, फेज फर्स्ट में पास हो जाएंगे उनको फेज टू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा अलग से, फिर से जिसमें टू पेपर रहेंगे फिर से। फिर इसके बाद अब अगर आप उसको पास कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए आखिरी में कॉल किया जाएगा। ओके, इसके बाद सर्विस कंडीशन या पे एंड अलाउंस की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रोविजन पीरियड रहेगा आपका, 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहने वाला है। अगर आपको सैलरी की बात करें तो यहाँ पर क्या कि अगर मुंबई जैसी सिटी में आप जाते हैं तो आपको 1,49,500 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिलेगी विदाउट अकोमोडेशन, है ना। अगर आप अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको 1,11,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, यानी कि भाई शुरुआत ही आपकी लाखों में हो रही है, ठीक है। तो सोच लो अगर आप इसमें 5 या 10 साल काम कर लेते हो तो आपकी जो सैलरी है पर मंथ कितनी होने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी शानदार जॉब है और बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही पावरफुल एक जॉब है, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है, ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली। इसके अलावा ये तो वही सैलरी, इसके अलावा अदर बेनिफिट्स, मेडिकल एक्सपेंसिस वगैरह जो भी होता है वो तो अलग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी, अगर आप में से इनके पास कोई भी डिग्री तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। इसके बाद बात करें अकोमोडेशन और पोस्टिंग कहाँ होगी, तो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वुड बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, द इनकमबेंट मे बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर टू एनी लोकेशन इन इंडिया वेयर सेबी हैज इट्स ऑफिस, जहाँ पर सेबी के ऑफिस है पूरे इंडिया में वहाँ पर आपको पोस्टेड दी जा सकती है, ठीक है। ये पूरा सेबी के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जामिनेशन सेंटर, जब आप इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पर दिख जाएगी, वैसे ऑल ओवर इंडिया में इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो अवेलेबल रहते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें जो कि 1,000 रुपये रहेगी, है ना, जिसमें GST भी ऐड रहेगा, इसके लिए अनरिजर्व के लिए OBC के लिए एंड EWS के लिए, बाकी 100 रुपये रहेगी SC ST के लिए और PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद है ये कुछ नहीं, प्री एग्जामिनेशन ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। अगर इसके हम बात करें इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन वो अप्रैल 13, 2024 को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये इसका एक शॉर्ट नोटिस है जिसके माध्यम से सेबी ने बताया कि हम एक भर्ती निकालने वाले हैं जो कि अप्रैल 13 में आपकी निकलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप में से इसमें किसी भी स्ट्रीम में है तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। आपके पास 30 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि नोटिफिकेशन तो आने वाला है जो कि 13 अप्रैल को, और ये ज़्यादा समय नहीं देते हैं, 25 से 30 दिन के अंदर आपका पेपर करा लेते हैं, तो 1 महीना तो आपको एक्स्ट्रा मिल ही गया यहाँ से। तो आप किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है उसके हिसाब से आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपकी लगभग 60-70% तैयारी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन, इसी तरह की मोर गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए दोस्तों हमारा जो चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम पर, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।